नमस्कार सौरभ भैया, एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार मोहित भाई। तो इस वाले पार्ट में अपन अपना जो ऑस्ट्रेलियन है देवधन, उस पर बात करेंगे। तो सौरभ भैया, आपने देवधन के बारे में बताया, अभी इसकी क्या एज हो गई है? ये अभी लगभग 47 मंथ्स का है। 47 मंथ का है। और थोड़ी सी इसकी बैक जर्नी पे बात करें तो देवधन आपने बच्चा खरीदा था। बच्चा खरीदा अभी 4 महीने का था, तब परचेज किया। 4 महीने का था तब। तो ये मेवाड़ से आप पहले ही जुड़ गए थे? हाँ, ये जब ये लिया वह जब से यहाँ पे फर्स्ट टाइम तभी आए। उसके पहले तो राजस्थान चले, वैसे आए कोई प्रोग्राम वगैरह हुआ या घूमने आ गए। लेकिन तो ये पहली या दूसरी तीसरी बार आए होंगे। तो अगर अभी समझे तो देवधन अपने 42 महीने का हो गया है। 47 महीने का हो गया है। और आई थिंक मेरे को जितना पता है इसने बहुत से उसमें कंपटीशन भी किया है और बहुत बार अभी जीता तक भी है। इसको 9 बार प्राइज मिल चुका है। ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट तो कभी अब तक नहीं आए, लेकिन जो मिले और अपना चल रहा है जर्नी अभी। ये तो मान के चले की टॉप 4-5 में है बिल्कुल। अपनी जो मेहनत कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अपने को मिल रहा है। देवधन समझे तो अपने चैंपियन लाइनेज से हैं और ये खुद भी चैंपियन है। इसको सबको अब तो ज्यादातर इसको मालूम ही है बिल्कुल। इसके फादर एक बार अपन वापस सभी के लिए बता दूं, देव रूप इसका शायर है। शायर हो गया, ठीक है। इसका शायर देव रूप है और देव रूप भी चैंपियन घोड़ा है बिल्कुल। और अपने अगर फिर समझे वापिस देवधन, तो देवधन भी कौन कौन से शो में गया हो भाई, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देवधन ने स्टार्टिंग में तो जब 16 मंथ्स का था ये पुष्कर, उसमें जो ये गवर्नमेंट शो था उसमें थर्ड आया। ठीक है। और जो अपना अशुप्रदी शांति इसमें सेकंड आया। ओके, मिलती थी। ओके। और फिर इसके बाद जसरा में थर्ड आया ये। जसरा हुआ अपना और अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद में भी थर्ड। हनुमानगढ़ में आया ये। ठीक है। जसरा में फिर टूटीत में भी थर्ड आया। अच्छा। और फिर अपना ऑल इंडिया शो एक यूपी में हुआ था मुजफ्फरनगर में। ठीक है, वहाँ पे थर्ड आया है। अच्छा, वहाँ पे भी थर्ड आया। तो अच्छा, तो अपने जहाँ जहाँ अपन ने एक बार पैर रखा है रिंग में कुछ ना मिला है, कुछ ना कुछ दिया है इसने अपना हमेशा अपनी मतलब मुक्सर में भी मिला है। अच्छा, तो आने वाले समय में अपन और भी अब रिंग में इसको वापिस। अभी दरअसल ऑस्ट्रेलियन कैटेगरी में आ गया इस साल, इसलिए कहीं पे इसको अभी तो डाला नहीं है। और इस बार तैयारी है पुष्कर से, इससे वापस पुष्कर से वापस तैयारी है और वही अपनी एक बार चैंपियन दौर वापस चलेगा। नहीं, वो तो देखो भगवान की इच्छा है, वो जैसे बिल्कुल चलेगा ना। आप मेहनत कर रहे हो, बन रहा है, दिख रहा है हमें तो सामने, जैसे आप मेहनत तो कर रहे हो अपना घोड़ा सामने दिख रहा है। तो अपनी बात करें देवधन की, अभी कितनी इससे घोड़ी मेट हो चुकी है और कितने रिजल्ट आ गए हैं इससे? अभी टोटल 8 या 9 घोड़ी मेट हुई है। अच्छा, 8-9 घोड़ी मेट हो गई है, जिसमें 5 के करीब तो मेरी खुद की है और तीन बार हैं। और इसके अभी तक टोटल 4 रिजल्ट आए हैं। ओके। और अनफॉर्चुनेटली 2 बच्चे इसके छूट गए उनमें से। अच्छा, 2 बच्चे छूट गए। अच्छा। तो अभी अपने अगर समझे तो निर्वाल स्ट्रट पे इसकी कितने रिजल्ट? अभी मेरे पास एक बच्ची है इसकी। ओके। उसकी मदर वर्खाना लाइन से और ग्रे है और बच्चा है पचकल्याण बच्ची आई है कुमेद। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन समझे सौरभ भैया, अगर अपन ने जैसे देवधन से घोड़ियाँ मेट हो रही है, कंट्रीब्यूशन समझे तो क्या रिजल्ट आ रहे हैं इसके? रिजल्ट देखो, इससे जो घोड़ियाँ क्रॉस हुई है ग्रे, 2 घोड़ियाँ तो ग्रे क्रॉस हुई। ठीक है। 2 का जो रिजल्ट आया है उनमें दोनों बच्ची आई है। ठीक है। दोनों पचकल्याण है। अच्छा, ब्लेज है। ठीक है। एक बच्ची उनमें से अभी 2 दिन पहले छूट गई जो यूपी में। अच्छा। मोस्टली अपने रिजल्ट अपने जैसा। और ब्लैक पे 2 बच्चे इसके ब्लैक पे आए थे, एक बच्चा है अपने पास, और एक बच्ची आई थी वो बच्ची छूट गई। बाकी मोस्टली प्रीमैच्योर हुई। अच्छा, प्रीमैच्योर हुई। कितने मंथ की डिलीवरी हो गई थी वो? लगभग 8 के करीब की। अच्छा, 8 मंथ की हो गई। अच्छा, डेढ़। ओह, ये खराब हुआ। बाकी मोस्टली अगर मेरे को लग रहा है जैसे आप रिजल्ट बता रहे हैं एकदम जैसे परफेक्ट रिजल्ट चाहिए मार्किंग वाइज में, कलर वाइज में, तो अपने को जो चाहिए वो मिल रहा है बिल्कुल। देखो, और इसमें कुछ कहने की नहीं, अब कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे मेरे पास घोड़ी है वरखाना वाली ग्रे दीवानी, वो ग्रे हो गई और उसके आज तक पहले जितने भी बच्चे आए हैं सब उसने अपने कलर पे दिए, चाहे घोड़ा कोई भी दिखाया बिल्कुल उसे। बिल्कुल अपना कलर नहीं छोड़ा। और बाकी आप देवधन की मार्किंग देखो, ब्लेज है, बाकी और कोई पैर पे सफेद नहीं है। और बच्ची जो आई है पचकल्याण आई है, और 4 में से अब तक 2 पचकल्याण आ गए। ओहो, जबरदस्त। और अब अगर समझे तो आगे और कितने रिजल्ट आने वाले हैं? अभी 3 घोड़ियाँ मेरे पास हैं। ठीक है। इधर पे फार्म पे जो इससे प्रेग्नेंट है, और 3 घोड़ी करीब यूपी में है, और एक अपना इंदौर में है। अच्छा, एक इंदौर में। अच्छा, तो मोस्टली इस साल में और भी अपने अगस्त से और बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर समझे सौरभ भैया, आप पहले भी जैसे घोड़े रखते थे उसमें से ऑस्ट्रेलियन भी रखते थे, अब प्रॉपर आप जैसे देवधन अपने पास आ गया है,
और भी अपने पास कोल्ट है, तो एक स्टेलियन का अगर टेम्परामेंट समझे तो वो कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो स्टेलियन अगर रखना है तो टेम्परामेंट ही मैटर करेगा, कि ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए, कूल होना चाहिए, कि हर टाइम एग्रेसिवनेस अच्छी नहीं है। ठीक है, आपको रोज उसको अंदर भी डालना है, बाहर निकालना है, एक्सरसाइज करानी है। बिल्कुल, हर टाइम अगर एग्रेसिव रहेगा तो भी वो भी नहीं होगा। तो स्टेलियन एक प्रॉपर कूल माइंडेड होना चाहिए। और उसको मोस्टली तो उसका क्या है कि जैसे आप हैंडल करोगे उसको, मोस्टली 70-75% आप उसको अपने में जैसा आप चाहते हो कर सकते हैं। मोस्टली अपने हाथ में जैसा बनाना चाहोगे, डालना चाहोगे, साचे में उड़ जैसा डल जाएगा। और देखो आज घोड़े आगे से खड़े होते हैं, भागते हैं, बदतमीजी करते हैं, वो एक बार देखने को अच्छा लगे, कोई वीडियो देखे वो अच्छा लगे, बिल्कुल सही, लेकिन फिर सोच के देखो अपने को कहीं लेके भी जाना है, शो में लेके जा रहे हैं, कहीं लेके जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाए जाती है। और ये अपने मेरे को लगता है डिसिप्लिन भी अनडिसिप्लिन में हो गया है एक तरीके का, ये तो इसके भी नंबर भी आई थिंक रिंग में कटते ही होंगे। बिल्कुल कटते हैं वैसे तो, लेकिन क्या करें, वहाँ पे थोड़ा रिंग में अभी लोगों के दिमाग में क्या चीज़ आई हुई है कि जो ज़्यादा एग्रेसिव होगा ज़्यादा प्रेजेंट करेगा, वो अच्छा रिप्रेजेंट करेगा, वो आगे घोड़े को देख के होगा तो और अपना वो अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और वो नहीं है जो तो, लेकिन बाकी तो चीज़ मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि काम होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग भी। और जो मतलब ट्रू टाइप जो ब्रीड कर रहे हैं वो समझते हैं जो देखो, नहीं मैं अपने अकॉर्डिंग इसलिए कह रहा हूँ, मेरा मानना है, अब सब लोग सब तरह कर रहे हैं सब। अभी मैंने इसको जो ब्रीडिंग भी इसकी स्टार्ट की तो भी जब ये शायद 35 महीने करीब का होगा। अच्छा, पहली बार मैंने इसको ब्रीडिंग में स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, नहीं तो पहले मैंने इसी डर की वजह से कि बदतमीजी ना आ जाए, बदतमीजी ना करे, एग्रेसिव ना हो जाए, और घोड़ियों में रहा है पहले से इसलिए तो कोई अच्छा इतना ही वो भी नहीं करता, बिल्कुल शांत है, आराम से मतलब इसका आना जाना। और रिंग में भी हमने देखा हुआ है इसको, बिल्कुल एकदम जेन्युइन टाइप आता है और अच्छा है, बिल्कुल वही इसका खड़ा रहता है और सही प्रेजेंट भी करता है। तो अगर समझे अपने पास रुपया जैसे देवदन के लिए अगर घोड़ियाँ जो मेट हो रही है, आपके हिसाब से ज़्यादा इसको कौन सी फिट घोड़ियाँ बैठती है इस पर? इसको देखो मेरे अकॉर्डिंग तो घोड़ी इसकी अगर खुला कान भी है घोड़ी का तो चलेगी। ठीक है, घोड़ी में पतलापन है, ठीक है, बारीकी है, बारीकी है, पतली चमड़ी उसको आप दोगे, क्योंकि इसमें बच्चे जो आ रहे हैं बच्चे हैवी बोन्स के आ रहे हैं। अच्छा जी, तो मेरे साथ जो हल्की घोड़ियाँ भी होंगी उनमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, हो जाएगा। ओके, और ज़्यादा ओवरलैप कान अगर होंगे तो मुझे नहीं लगता शायद वो ज़्यादा सेट होगा। ओके, और कलर वाइज समझे तो? कलर वाइज तो देखो मार्केट है, ठीक है, सबसे फर्स्ट डिमांड सभी की है ब्लैक, सबकी डिमांड पे फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी ब्लैक ही है, बिल्कुल अपने को चाहिए। दूसरा नंबर आता है कुमैद का, बिल्कुल दूसरा। और इसके जो रिजल्ट आए अब तक चार में से दो ब्लैक घोड़ियां थी और दो ग्रे थी, ग्रे पे तो आए इसके कुमैद आ गए और ब्लैक पे ब्लैक आए, ब्लैक पे ब्लैक आ गए। मतलब सोने पे सुहागा ही है कि भाई अपने को जो एक बार मन में जैसा होता है भाई मैं मेरी घोड़ी ब्रीड कराता हूं, तो मेरे को लगता है कि यार ऐसी तो देखो किसी को भी कहने के लिए ये घोड़ा है तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो ये है ये अपने ऊपर अपना स्ट्रक्चर आगे पास ऑन कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। जिसको ये स्ट्रक्चर चाहिए ये अच्छा लगता होगा आगे पीछे देखने के लिए, वो घोड़ी इसे मेट करना ही करेगा। और वैसे भी अगर जैसे आप रिजल्ट बता रहे हैं और जैसे अपन रिजल्ट दिखा भी रहे हैं उस हिसाब से चले तो भी एकदम अपने सही पाथ पे ही है। एक भाई आपको जैसा एक बार आप जो मेहनत करते 11 महीने की खेती उस पर सक्सेसफुल है। तो अगर अपन आगे समझे तो देवधन को लेके आपकी सक्सेस स्टोरी क्या रही अब तक की? देवधन को लेके देखो, देवधन लिया तो मैंने स्टार्टिंग में कम पैसों में, ठीक है, बच्चा था सस्ता मिल गया, बिल्कुल, लेकिन उसको यहाँ तक लाने के लिए मैं काफ़ी कुछ खर्च कर चुका हूँ। और मेरे अकॉर्डिंग मैंने पहले ही बताया था आज तक ये 60-65 हज़ार किलोमीटर ट्रेवल कर चुका होगा। कोई शो ऐसा नहीं हुआ या कोई जगह जहाँ पे जाने की हो कि मैं नहीं लेके गए। बिल्कुल, तो कहीं पे भी है मैंने ज़्यादा कोशिश की है। अब इसको जाने के लिए एक कार में ये जाए में अपना जाए, बिल्कुल, उसको डबल करके आप यही खर्चा देख लीजिए, बिल्कुल। और ये मतलब ये अगर सक्सेस स्टोरी वो अगर आपको स्टेज पे एक इनाम लेना है उसके पीछे की ये कहानी है। और मेरे से ज्यादा हिम्मत इसकी है कि ये जब भी लेके गए उसने कभी ये नहीं बाहर नहीं बीमार हुआ, खाना नहीं खाया प्रॉपर। भगवान रखता है, देखो मेहनत कर रहे हैं तो सब अच्छा ही रखता है। और वापिस आप ये भी समझो कि इसकी ताकत इतनी है कि जहाँ से आपने लिया वहाँ आपको पूरा शिफ्ट वहाँ पे पूरा मुझे और घोड़ों के साथ शिफ्ट कर दिया है। जब आपने इससे आपने इसको खरीदा था तब अपने घर पे कितने घोड़े थे? एक दो होते थे। अच्छा, जिस टाइम मैंने ये लिया इतफाक उस टाइम एक भी नहीं था मेरे पास। अच्छा, तब एक भी नहीं था। एक भी नहीं था तो आप इसी की ताकत समझोगे इसके पीछे 30 है आज। बिल्कुल, इसके पीछे इतने आ गए।
इसको आप इसको देख के आप घोड़िया भी खरीदते हैं, इसको देख के देखो कोई भी चीज आदमी सोच के चले ना, फिर सब चाहता है कि तुम्हारे घर भी खुद ये हो जाए, बिल्कुल ये अपना हो जाए, बिल्कुल। तो इसके इक्विवेलेंट तो अभी तक देखो कोई बच्चा ऐसा नहीं आया कि मैं बड़ा कर सका। अभी तक तो मतलब मोस्ट ऑफ रीजन भी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग जो घोड़िया और भी मैंने दूसरे घोड़ों से करवाई है तो भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसमें है वो अपने को नहीं दिखते। चलो ये मेरी पसंद है ये वो, बिल्कुल। अब आप घोड़े सबके अच्छे हैं, बिल्कुल, लेकिन जो चीज इसमें मुझे वो अच्छी लगती है, बिल्कुल। एक मोस्टली आपका जो टारगेट है, फोकस है, वो आपको अभी तक मिला नहीं है, वो मिलेगा तो वो वापस वो 30 से नंबर वाइज लगेगी, हाँ कुछ किया है तो वो अपना अचीवमेंट है। तो मोस्टली आप जैसे अपने देवदन पे हैं तो अपन एक स्टेलियन पे मेन फोकस क्या करते हो आप? देखो स्टेलियन को तो मेन है एक्सरसाइज और डाइट। अच्छा, एक्सरसाइज और डाइट, ये पूरा मैनेजमेंट प्रॉपर इसको सब चीज। इसके पास भी एक लड़का एक अलग से है, ठीक है, जो प्रॉपर इसको फीडिंग एक्सरसाइज और सब तरह के साइज, राउंड पेन में भी, फिर रोड पे भी लेके जाते हैं इसको, ठीक है। और कोई भी अगर स्टेलियन तैयार कर रहा है, बच्चा कोई भी तैयार कर रहा है, तो डरना उसको मन से निकालना चाहिए, ठीक है, कि चीज से घोड़ा नहीं डरे। क्योंकि एक दो चीजें मैंने देखी भी है यूट्यूब वगैरह पे, एक दो शो में घोड़े डर के बेकाबू हुए, बेकाबू हो जाते हैं, वो वहाँ पे एक का नुकसान नहीं करके जहाँ पे भी 10 हैं उनका भी नुकसान होता भी नुकसान है। तो वो ट्रेनिंग भी जरूरी है, ये एक सबसे बड़ा मैनेजमेंट का हिस्सा है। और देखो इसकी मैं एक हकीकत आपको बताता हूँ, रंसी शो में लेके गया इसको, ओके, और रंसी शो में अपना टेंट लगे अपना, उसमें घोड़े वहाँ पे उतार के कि भूख लगी है चलो खाना खाने, हम लोग आ गए अलग, ठीक है। तो बाहर खड़े हुए क्या देखते हैं, घोड़ा आ रहा है दूर से, ओके। तो अपन लोग कहने लगे यार देखो कैसे हैंडलर हैं, और कल चोट लग जाए कुछ हो जाए, और देखते क्या है कि वो अपना देवदानी है, देवदानी है। अच्छा, तो वो कैसे वहां से निकला उनसे, अच्छा, और निकल के, लेकिन इसकी ये रही कि अटैचमेंट था जो बंदे थे उनसे भी जानता था, तो ये पूरा राउंड लेके अपनी मर्जी से दोबारा फिर उसी जगह पे अपने आप ही आ गए, जहाँ पे लास्ट बंदा, जहाँ पे, और जो 2 घंटे रहा होगा वहाँ, तो 1 घंटा मुश्किल से, पर वो समझ गया, वो समझ, फिर वहीं पे आराम से बुलाया, पकड़ में आ गया। अरे वाह, कोई चोट वोट लगी कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं, क्लीन घूम के आया सब जगह, उसकी वीडियो भी होगी कहीं पे। अच्छा अच्छा, वो व्यवस्थित घूम के आया, उसको एक बार वो रंशी का पूरा देखना था, तो इसने खुद से मौका मुआयना पूरे उसका देख के आया, और बाकी उधर आगे के पास में वहाँ खड़ा रहा, वहाँ पे गिरे आ जा पास गया। सही है। तो अगर सौरभ आप समझे तो अपनी जो देवदन की स्टड सर्विस ओपन फॉर ऑल है या फिर अपने स्टेबल पे ही है? नहीं, कोई आए तो करा देते, अभी तो देखो जिसको भी है, बिल्कुल, इसका भी इतने रिजल्ट नहीं आए, पर जैसे शुरुआती फेज है तो मेरे को कराना है तो बिल्कुल ओपन फॉर ऑल। ओपन फॉर ऑल तो अपन इसका क्या चार्ज ले रहे हैं? वैसे तो 51,000 रुपये है, ठीक है, बोलते हैं जो भी 19-20 जैसे भी, तो उस पर अपन तो 1-2 साल और इसको प्रॉपर उसमें आने में लगेंगे, फुल फेस जैसे उसमें फ्लैश में आने में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो अभी जैसे अपन अगर कोई घोड़ी कवर करवाना चाहता है तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। दूसरा अगर समझे तो अपने पास जो यहाँ पे फैसिलिटीज है, स्टेबलिंग की भी व्यवस्थाएं है अपने पास? स्टेबलिंग भी देखो आपको, आपने देखा होगा जो रूम्स बनाए हुए हैं मैंने, अभी 100 बना रहे हैं और काम चल भी रहा है कुछ, तो यही देखते हुए स्टेबलिंग के लिए भाई मेरे लिए तो सफिशिएंट है, ठीक है, 2-4-5 रूम अपना बना के रखेंगे तो उससे वो तो स्टेबलिंग में, ओके। और अपने अगर स्टेबल में समझे तो अब आगे जो आपने घोड़ी और भी परचेस करी है उस पे भी आप देवदानी ट्राई कर रहे हैं या फिर आप कोई प्लान? बिल्कुल नहीं, जो घोड़ी इसके लायक है, ठीक है, अभी मेरे पास क्या है मोस्टली कुछ बच्चियां हैं जो देवरूप की हैं, तो है। इसके फादर साइड से सिस्टर हो गई तो उन पे ये चलेगा नहीं चलेगा। और बाकी कुछ जो मैं आगे बच्चे घोड़ी परचेस कर रहा हूँ अदर लाइन की कर रहा हूँ कि घोड़ी अच्छी हो ताकि मैं इस पे फिट हो सके अपना, ओके। तो अपने पास ओपन फॉर स्टड भी है, सर्विस के लिए चालू है, अगर किसी को घोड़ी अपनी मेट करानी है तो वो आपसे सीधा कांटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में हमने देखा देवदन, और आगे मैं आपको दिखाऊंगा जो निर्वाल स्टड की घोड़ियाँ हैं जो सौरभ भैया ने अपना एक कलेक्शन कर रखा है घोड़ियों का, उस पर बात करेंगे और उस घोड़ियों पर आपने क्या काम किया उस पर बात करेंगे। थैंक यू सौरभ भैया आपका कीमती समय देने के लिए।